राम रहीम वाला जिहड़ा भाई उन्हों मार्च तो लैके अक्तूबर तक मेरा ख्याल 180 दिन बांधे तो 91 दिन की परोल दे दी आ, तो मैं समझना बड़ा वड्डा अनर्थ है। तो जे राजीव गांधी वालों दी जा सकती माफ़ी, गुजरात मार धाड़ करन वाले रेप करन वाले दी जाती माफ़ी जा दी जा सकती है। तो साढ़े तो संघर्षी योधे आ मामले जड़े जख्म से उन्होंने तहत ही अपन जड़ियाँ समय अनुसार अपना जोड़ा योगदान पाया, सो इन्हों भी रिहा करना चाहिए। खबर अमृतसर तो सामने ही है जिथे कि SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी वालों डेरा सिरसा मुखी की परोल नूं लेके बयान जारी किया गया है। उन्हां दा कहना है कि यह सरकारां दी सोची समझी साजिश है। इस दे नाल उन्हां दा कहना है कि बंदी सिंघां नूं हाले तक रिहाई नहीं दित्ती गई पर गुरमीत सिंह राम रहीम नूं परोल ते परोल दित्ती जा रही है। इस तरह सिखां दे नाल वितकरा किया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। अज सतगुरों के पवित्र स्थान गुरु सर सौड़ियाँ विखे एक बड़ा अमृत संचार हो रहा, वो दे नाल दी नाल गुरमत का समागम भी जिहड़ा वो अमृत वेले तो निरंतर जारी है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आ जिहड़ा बरा है इस साल का इनू पीवो पहल खंडे तार होए जन्म से हिला, हर एक हल्के दे विच अमृत संचार ते गुरमत समागमां दी जिहड़ी वो लड़ी आरंभी गई सी। ते अज मैं फकर भी महसूस करदा मेरा छोटा भरा सरदार सरजीत सिंह जी पिटेबण साहब जिन्हां दे हलका पैंदा आ सैकड़े प्राणी जिहड़े आ खंडे बाटे दी पौल प्राप्त कर रहे आ, उहदे नाल दी नाल ही अज साडा समागम यह समागम उस समागम के संबंध में रखा गया जिहड़ा समागम असी 26-27 तरीक नूं दरबार साहब विखे पंजा साहब के साके समर्पित शताब्दी मनाना और गुरु साहब कृपा करन अगे गुरु के बाग के मोर्चे की शताब्दी मनाई। एड्डी वड्डी पद्धर से इस हल्के दे विचों संगतां ने शमूलियत की सी, ते इस बार भी मंजी साहब गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल के एडा वड्डा इकट्ठ किया जाऊगा जिहदे मेन मुद्दे साढ़े चाहे भावें शताब्दी समर्पित आ, उहदे नाल दी नाल बंदी सिंघां दा भी वड्डा मसला उहदे लई भी कुछ प्रोग्राम जिहड़ा उदण उत्थों ऐलान किया जाऊगा। नाल दी नाल आ जिहड़ा हरियाणे वाला मसला वखरा, मैं ये भी समझदा कि कल मैं परसों एक प्रपोजल रखी सी कि श्री अकाल तख्त साहब दी ताबिया आवो, तो अज जे सिख श्री अकाल तख्त साहब दी ताबिया दी बजाए किसी होर दी ताबिया जाऊगा, मैं उन्होंने अज भी बेनती करदा सब तो वड्डी अदालत सतगुरु जी दी श्री अकाल तख्त साहब आ, ये दुनियावी ताकत भी साडा ते अध्यात्मकता दा ताकत भी आ, ते साडे कौमी मसले भी इत्थे हल हुंदे आ। हाले भी डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, गुरु दे सन्मुख होइए कौम ने वड्डियां वड्डियां मुहिमां जिहड़ियां उह सार कीतियां, ते जे आपां फिर अज दुनियावी ताकतां दे पिछे दुनियावी जिहड़ियां ताकतां दे पिछे लग के जे आपां चाहुंदे सुख भालदे आ, उन्होंने तो अज तुहाडे नाल आ कल किसे दे नाल हो जाणा। सो गुरु साहब कृपा करने पंजा साहब दा जिहड़ा महान साखा उहदे संबंध दे विच अज दा समागम सीगा। मैं पिटेबण साहब नूं बहुत बधाई दिंदा, अपने सकत्तर सरदार बरविंदर सिंह जी कालमा इन्हां नूं बधाई दिंदा कि आपां 27 तरीक नूं एडा वड्डा इकट्ठ उत्थे अंबरसर विखे करना, जिहड़ियां पुरातन साडियां रवायतां सीगियां उस दीवान हाल तों फिर जिहड़ियां वो भावें शुरू ही आ पर उन्होंने मुड़ के बड़े पद्धर से सरजीत किया जाऊगा। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। देखो असी तो रोज़ ही उन्होंने ये बेनती कर रहे हैं भाई जे बाकियां लई तीन देखो बड़े बड़े केस जिहड़े साढ़े सामने आए आ, एक तो राम रहीम वाला जिहड़ा भाई उन्हों मार्च तो लैके अक्तूबर तक मेरा ख्याल 180 दिन बांधे तो 91 दिन की परोल दे दी आ, तो मैं समझना बड़ा वड्डा अनर्थ है। तो जे राजीव गांधी वालों नूं दित्ती जा सकती माफ़ी, तो जे गुजरात मार धाड़ करन वाले रेप करन वाले नूं दित्ती जाती माफ़ी जा दित्ती जा सकती है, तो साढ़े तो संघर्षी योधे आ, इन्होंने तो बेचारे ने निजले कुछ नहीं किया कौम लई जिहड़े
ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਅਤੇ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਫਾਲਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।